हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसन एंड यू वाचिंग आउटडोर और यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक एंड अदर एपिसोड। और आज हम जा रहे हैं TCS ऑफिस, वहाँ पे कुछ पार्सल आए हैं मेरे, उनको हमें रिसीव करना है और फिर उनको लेकर जाना है जॉब पे। गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। उम्मीद है आवाज़ आपको आ रही होगी सही। इस वक्त मैं GT रोड पर हूँ और हमने जाना है TCS ऑफिस, जो कि थोड़ा सा आई थिंक के 2-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। गाड़ियाँ वगैरह निकल रही होती हैं, बसेस वगैरह। गर्मी कोई बहुत ही हाई क्लास हो रही है यहाँ पे। और मैं इस वक्त राम फिलाई चौक है, ये सामने जो आपको नज़र आ रही होगी कोई छोटी सी चौक टाइप। अब हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा। जी अब हमने अब जाना है, यहाँ से कोई 2-4 किलोमीटर दूर है और फिर देखते हैं। अभी वैसे मैंने उनके ऑफिस में कॉल की है, लेकिन TCS वालों का जो ऑफिस नंबर है ना, उस पर कभी भी कॉल नहीं मिलती, कभी भी। कोई 100 ट्राई की है, उसके बाद भी कॉल नहीं मिली। मैंने सोचा है उनके ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट अपने पार्सल का पूछ लेते हैं। कहना ये था कि भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाजमी, और वीडियो को भी लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और बस हमने इसी मंथ में अपना 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। TCS ऑफिस आया ही नहीं अभी तक, मैं काफ़ी देर से इधर घूम रहा हूँ। इसी साइड पे आना है TCS का ऑफिस, आई थिंक यहीं कहीं पे है TCS का ऑफिस। मेरी नज़र इसी साइड पे है, अभी भी नहीं आया। मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, लेकिन TCS का दफ्तर हमेशा ऐसे ही होता है। मैं 3-4 बार आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे वो मिलता ही नहीं। और इसको देखो यार, अभी टक्कर लगती मेरी। अभी भी नहीं आया TCS का ऑफिस, लगता है काफ़ी आगे चला गया। पिछली वीडियो मेरी थी 17 पे, जो मैं रैपिंग करवा रहा था उसके मुतालिक, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, मज़ेदार वीडियो है। उसको लाइक किए करिए, कमेंट करें और जो भी आता कर। आई थिंक अब पास है TCS का ऑफिस। ये बिल्डिंग्स आ गई ना, लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने सोचा था कि, यानी आइडिया ले लिया था कि यहाँ पे बैंक के पास है, तो अभी तक नहीं आया। अभी देखते हैं और आगे जाके। उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ कर रहा, इंटरनल ही यूज़ कर रहा हूँ इसका फ़िलहाल। आई थिंक यहाँ पे है, यहाँ से हमें पास ही आए थे। सो फाइनली अब हमें आ गया है नज़र TCS का ऑफिस। भी देखें, अब बस अंदर जाने का रास्ता देखना है कौन सा है। आई थिंक ये है, शुक्र है यही वाला रास्ता है। और अब हम चलते हैं अंदर। अच्छा जी, तो अब हम फाइनली TCS ऑफिस के अंदर खड़े हैं और यहाँ पे बैठे हैं। ये भाई हैं और पार्सल हमारा ये आ गया है इस वक्त, इसको हम लेना है और लेकर फिर वापस जाना है। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, पार्सल ढूंढने में मसला नहीं हुआ, बिल्कुल ईजीली मिल गया है।
और ये TCS ऑफिस के बाहर का सीन है कुछ ऐसा। और इसके बाद अब हम जाएंगे सीधा अपनी जॉब पे। ये हमारा पार्सल पड़ा है, बस हमने कैश अपनी वापस लेनी है, अब बकाया जो है छुट्टे जिसको बोलते हैं वो वापस लेने हैं, और उसके बाद सीधा घर नहीं सॉरी जॉब पे। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर आगे थोड़ा सा जाके। अच्छा जी भाई लोगों, तो हमने अब ले लिया अपना पार्सल, और पार्सल ले लिया है, पार्सल लेके ये हम बाइक पे आगे बच गए। ये आ गया हमारा पार्सल, काफ़ी बड़ा है, इसको लेके जाना है शॉप पे अपनी। चाबी लगाई, गर्मी हो रही है इतनी, कोई टिका के किस सोच है आपकी। और ये हम बड़े तरीके से बाइक स्टार्ट करने लगे हैं, स्टार्ट की हमने, मैं मिलता हूँ एक मिनट। तो बाइक स्टार्ट कर ली है, बाइक पे बैठ गया हूँ, GT रोड है सामने, और लगता है कि मेरी आवाज़ अब आपको ख़राब आनी है। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। रुक, बच गए, मैं आपको मिलता हूँ आगे जाके। A few inches later. तो फाइनली अब मैं बाइक पर रोड क्रॉस कर लिया है और अब जा रहा हूँ सीधा। और मौसम ही देखते हैं, ज़बरदस्त हो गया है, एकदम धूप सब गायब हो गई है, टोटली गायब हो गई है। और एक हाथ से मैं बाइक चला रहा हूँ और दूसरे हाथ से ये कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये सेंटर टैंकी पे उस पर पार्सल रखा हुआ है। अब हम सीधा जा रहे हैं रोड से होते हुए GT रोड पर उस वक्त में। और यार ये DCS ऑफिस वाकई दूर था, काफ़ी दूर था ये एरिया जो पीछे गुजर गया है। और अभी उम्मीद है कि आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। अब देखते हैं पार्सल हमारा ठीक है, पार्सल मैंने चेक ही किया, मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके चेक करूँगा एक दफ़ा, यहाँ पे चेक करने का फ़ायदा नहीं था। और 7 दिन के अंदर इसकी वापसी भी हो सकती है अगर पार्सल में कोई इशू हुआ तो। रामदलाई रोड पे आ गया हूँ और यहाँ पे काफ़ी रश है, और मेरा पार्सल जिसकी वजह से 2 दफ़ा गिरते गिरते बचा है। खड्डे भी बहुत हैं यहाँ पे, पूरा रोड टूटा हुआ है। खैर अब चलते हैं वापस। अच्छा जी फाइनली मशीन चेक कर लिया, मशीन बिल्कुल ओके है, अभी हम इसमें पैसे डालने लगे हैं, ये देखते हैं। और ये मैं मंगवाई है मैंने दराज से, और ये मुझे पड़ गई है डिलीवरी चार्जेस में 800 रुपए में। और अभी मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, और मशीन तो ये काफ़ी अच्छी है इस वक्त, बिल्कुल सही बता रही है। और बाकी देखते हैं अब क्या बनता है इसका, मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर तक। मशीन बिल्कुल ओके, अगर किसी ने मंगवानी है तो दराज से मंगवा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अच्छा अब तो हम इसमें नकली नोट का एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। ये दिखाओ नकली नोट की तरह, ये एक नकली नोट है 1000 रुपये का, ये टोटल नकली है। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे सारे पैसों में, अब हम चेक करेंगे क्या ये नकली नोट काउंट करेगी मशीन। ओहो वाकई कर दिया इसने नकली नोट काउंट, ये देखें ये नकली नोट है ऐड, ठीक। अच्छा जी और ये पकड़ना, ये नकली नोट पकड़ो, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पेपर, ठीक है। पेपर हमने 1000 के नोट के मुताबिक पेपर को कट कर लिया, और इसको हम रख देंगे सेंटर में, सेंटर में हमने रख दिया इसको। और ये हम इसको ज़रा इकट्ठे करो, उसको नकली नोट को रहने दो बाहर, इसको ज़रा पेपर वाले नोट को, हाँ अब इसमें डाल दो। अब हम इसमें डाल देंगे, इसने वाकई रोक दिया है।
तो खैर मशीन ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पसंद भी है ये मुझे, लेकिन अभी इसके कुछ फंक्शंस समझूंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा क्या इसका रिव्यू हम मुकम्मल बनाएंगे इंशाल्लाह।